हेलो स्टार्ट करें क्या? बात होती है छत्तीसगढ़ में रामायण काल का, किसका बात होता है? देखिए अगर हम छत्तीसगढ़ के इतिहास को देखेंगे, हम तीन रूप से डिवाइड कर सकते हैं, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। उसमें हमने क्या देख लिया अभी आपके लिए? अब पाषाण काल के बाद आगे चलना है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? वेट फॉर प्रोग्राम रिस्पॉन्स। देखिए जी, हम लोग को क्या पढ़ना है? वैदिक काल। क्या पढ़ना है अभी अपन को? अगर बात होती है वैदिक काल का, तो वैदिक काल के आगे चलते हैं अपन, ठीक है जी। आपने पढ़ा होगा, तो जैसे आपने वैदिक काल पढ़ा होगा, वैदिक काल, तो वैदिक काल क्या काल था भैया आपके लिए? देखिए सबसे पहले तो हमने विश्व का सबसे प्राचीनतम सभ्यता पढ़ा है, जिसे अपन बोलते हैं क्या? सिंधु घाटी सभ्यता। क्या पढ़े थे अपन? उससे पहले अपन स्टोन एज देखे थे, ठीक है? उससे पहले अपने क्या देखे थे? स्टोन। जब पाषाण काल पढ़े, पाषाण काल के बाद हमारे पास विश्व का सबसे प्राचीनतम सभ्यता या ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन आता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमाण अगर देखोगे तो ऊपर में आपको कश्मीर तक मिलता है, मांडा, नीचे में दईमाबाद, आप अगर पश्चिम में जाओगे सुतेंडर, और इधर पूर्वी हिस्सा में आओगे तो आलमगीरपुर, जो भी वर्तमान आपको गोरखपुर है उसके आसपास का। क्लियर जी? क्योंकि छत्तीसगढ़ उसके राइट साइड पड़ता है, तो छत्तीसगढ़ में सिंधु घाटी सभ्यता के अब तक कोई प्रमाण नहीं है। अरे या सुनो, एक वर्ड बोल रहा हूं, अब तक। इतिहास बदलते रहता है, पता चला अचानक से एक आध दिन अंदर से निकल गए, मैं बोलो मैं भी सिंधु घाटी सभ्यता का कंकाल, पहचान कौन? अब अपन को पढ़ना पड़ेगा, नहीं भाई छत्तीसगढ़ भी है करके। तो इतिहास बदलता है, तो हम ये नहीं बोल सकते अभी तक हमारे पास नहीं मिले हैं, तो अभी तक हम नहीं पढ़ रहे हैं, क्लियर? लेकिन इतिहास क्या है? परिवर्तनशील है, परिवर्तन होते रहता है। उसके बाद आता है आपके पास वैदिक काल। क्या आता है आपके पास? वैदिक काल में देखोगे तो हमारे पास दो प्रकार के वैदिक काल आते हैं। पहले आपके लिए क्या आता है आपके लिए? ऋग वैदिक काल। अरे ये सुनो, और दूसरा आपके पास क्या आता है? उत्तर वैदिक काल। अगर बात होती है ऋग्वैदिक काल का, तो ऋग्वैदिक काल कब से कब तक है आपके लिए? 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी है क्या? अरे यस और नो। तो अगर आप बात करते हैं ऋग्वैदिक काल का, तो ऋग्वैदिक काल हमारे लिए कब से कब है? 1000 ये हमारे लिए कब है? 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक। अरे यस और नो, इसी को अपन क्या बोलते हैं? ऋग्वैदिक काल। इसमें अपन क्या पढ़ते हैं? 1000 से लेकर 600 बीसी तक, इसी को अपन क्या बोलते हैं? उत्तर वैदिक काल। क्लियर जी? अगर बात होती है ऋग्वैदिक काल में, तो ऋग्वैदिक में केवल क्या हुआ? ऋग्वेद की रचना हुई, या ज्यादा अच्छा वर्ड है संकलन। अरे ये सुनो, तो हमको याद रखना है क्या इसमें? ऋग्वेद की संकल, ठीक है। अगर बात होता है उत्तर वैदिक काल का, तो उत्तर वैदिक काल में क्या है? तीन वेद आपके पास और थे। कौन कौन से वेद थे? आपके पास थे क्या? सामवेद, यजुर्वेद, उसके बाद क्या था आपके लिए? अथर्ववेद। अरे ये सुनो, तो देखिए इसके बाद और इसी में क्या हुआ? पुराणों की भी तो रचना हुई थी क्या? और इसी में हमारे पास और किसकी रचना हुई थी आपके लिए? उपनिषदों की, और उपनिषद के साथ ब्राह्मणों की भी रचना हुई थी। अरे या सुनो, अब देखिए प्रश्न जो आपको प्रीलिम्स में आता है वो ये है, क्या छत्तीसगढ़ का ऋग्वैदिक काल से कोई जानकारी प्राप्त होता है क्या? तो हमको याद रखना, छत्तीसगढ़ की कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। क्लियर जी? तो हमको याद रखना है ऋग्वैदिक जो है छत्तीसगढ़ से कोई संबंध नहीं। जैसे आप हड़प्पा सभ्यता पढ़ोगे, तो हड़प्पा सभ्यता में जो हड़प्पा है उसको हरपुरिया वर्ड से यूज किया गया। जो पढ़े हो, जो आपके लिए यह वर्ड प्रयोग किया गया है कि नहीं? आपके लिए गोत्र शब्द का प्रयोग किया गया है किसमें? ऋग्वैदिक काल।
लेकिन बात होती है आपके लिए कि इसमें छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ का ऐसा कोई भी एक जगह नहीं मिला है जिसको ऋग्वैदिक में मेंशन किया गया है, इसीलिए छत्तीसगढ़ का ऋग्वैदिक काल से कोई संबंध नहीं है। क्लियर? क्लियर? हमको याद रखना उत्तर वैदिक काल, क्या याद रखना? उत्तर वैदिक काल में जाओगे तो हमारे पास क्या मिला है, तो एक उपनिषद मिला है, हमारे पास एक ब्राह्मण मिला है जिससे हमारे छत्तीसगढ़ की जानकारी मिलती है। अरे ये सुनो, तो हमको याद रखना उपनिषद, क्या याद रखना है? देखिए भाई, हमारे पास कौशीतक उपनिषद मिला है जिसमें छत्तीसगढ़ की थोड़ी जानकारी मिलती है, और थोड़ा जानकारी हमको किससे मिलता है? सतपथ ब्राह्मण से। अब उसमें क्या जानकारी मिलता है, तो देखिए भाई, अगर बात होती है आपके लिए किसका, कौशीतक उपनिषद, तो इसमें बताया गया है कि विंध्यन पर्वत श्रृंखला इसका क्या मिलता है आपको, उल्लेख मिलता है, इसको मेंशन किया गया। तो देखिए, हम जब छत्तीसगढ़ पढ़ते हैं तो पूर्वी बघेलखंड का पठार पढ़ते हैं, उसी में कैमूर पर्वत श्रृंखला पढ़ते हैं क्या, जहां से आपके लिए हसदेव नदी का उद्गम हुआ है, तो हमारे काम का है कि नहीं है? तो कौशीतक उस निषाद में बताया गया है कि आपके लिए विंध्यन पर्वत श्रृंखला, क्या बताया गया आपके लिए? दूसरा, हमारे पास एक नदी है, कौन सी नदी? नर्मदा। कौन सी नदी आपके लिए? ये नर्मदा नदी को ये क्या बोले हैं? रेवा नदी। क्या बोले अपन के लिए? तो नर्मदा नदी भी हमारे लिए काम का है, क्योंकि हमने बंजर और ताड़ा दो चीज पढ़ा था जो आपके लिए नर्मदा पाव प्रणाली का हिस्सा था। अरे ये सुनो, इसलिए हमारे काम का क्या भी है आपके लिए? नर्मदा नदी। क्या है आपके लिए? इसी नर्मदा नदी को उस टाइम में क्या बोल रहे अपन? रेवा नदी। क्या बोल रहे अपन? अब अगर बात हो जाती है हमारे पास विंध्यन पर्वत श्रृंखला का, तो हम लोग अगर बात करें विंध्यन पर्वत श्रृंखला का, तो चलिए भाई, अब छत्तीसगढ़, ये जो एक्चुअल हमारा टॉपिक है यहां से चालू होगा, ये कहानी उसी के लिए था। क्लियर जी? तो छत्तीसगढ़ में रामायण कालीन स्थल, अरे या सुनो, तो हमारे पास क्या था? कोसल खंड। एक किताब, क्लियर जी? तो कोसल नाम खंड नामक एक अप्रकाशित रचना, अप्रकाशित मतलब पब्लिकेशन नहीं हुआ, लिख के रख दिए, लेकिन इसमें हमको जानकारी मिलता है कि कोसल खंड आपके लिए विंध्यन पर्वत श्रृंखला, विंध्यन पर्वत श्रृंखला इसके दक्षिण में ये दक्षिण में आपके लिए नागपत्तन, एक क्षेत्र था नागपत्तन क्षेत्र। अरे या सुनो, इसी नागपत्तन क्षेत्र में एक कोसल नाम का नाम क्या था? शासक। और ये जो शासक था जी, आपके लिए आप देखोगे तो बहुत प्रतापी था, बलवान था, प्रतिष्ठावान था। क्लियर? जान मान लो कि साहू जात पैदा हुआ होगा कभी, यहां ये फलाना इसको तेली बोलेंगे, जैसे मैं। क्लियर? नहीं, मैं अतिशयोक्ति कर देता हूं, ठीक है? मैं हमेशा अपने करके, आप लोग मुस्कुराते तो मैं समझ जाता हूं, कोमल सर अपनी तारीफ फिर से कर रहे हैं ऐसे कर। देखो क्या है, दुनिया आलोचना करने के लिए, बुराई करने के लिए है, तो जब कोई प्रशंसा ना करे तो खुद की प्रशंसा कर लेनी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। अब बुराई तो नहीं कर रहे हो ना, प्रशंसा करने में क्या ही बुराई है? क्लियर जी? आगे चले क्या, तो आपको याद रखना कोसल नाम का क्या था? एक शासक। ये शासक क्या था आपके लिए? बलवान और प्रतिष्ठावान। तो इसके प्रसिद्धि के आधार पर इस क्षेत्र को क्या कहने जाने लगा?
क्लियर जी। तो इसी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा आपके लिए? कोसल। क्या पड़ा आपके लिए? अब इसी कोसल राज्य में हमारे पास क्या हुआ? अब आपके लिए क्या हो गया? कोसल हो गया ना जी। कोसल आपके लिए क्या हो गया? वंश हो गया। क्या हो गया आपके लिए? अब ये कोसल वंश में ना एक शासक हुए, उनका नाम है राजा भानुमंत। क्या नाम है इनका? भानुमंत है, लेकिन अपन लिख रहे हैं राजा भानुमंत। अरे ये सुनो, अब इनका कोई पुत्र नहीं था, इनकी कौन थी? अरे ये सुनो, इनकी पुत्री का नाम था कौशल्या। क्या नाम था? क्या नाम था आपके लिए? इनका नाम कौशल्या इसलिए पड़ा है क्योंकि ये क्या है? कोसल की राजकुमारी है। इसीलिए इनका नाम क्या है आपके लिए? कौशल्या। क्या नाम है आपके लिए? आप देखो, यहां से प्रीलिम्स में आपका कुछ क्वेश्चन बनते, उसको लिखता हूं फिर कहानी आगे लिखूंगा। क्लियर जी। अब हम लोग पहला वर्ड देखें क्या? कोसल की राजकुमारी। क्या पढ़ रहे हैं अपन? और हम लोग पढ़े हैं कि 36 जो कोसल है वो आपके लिए दो पार्ट में डिवाइड था। अरे या सुनो, तो उस टाइम पे रामायण काल में छत्तीसगढ़ को क्या बोल रहे हैं अपन? दक्षिण कोसल। क्या बोल रहे हैं अपन? क्या बोल रहे हैं अपन? तो आपको याद रखना, दक्षिण कोसल उसी टाइम में रामायण में बस्तर को क्या बोल रहे हैं अपन? दंडकारण्य। क्या बोल रहे हैं अपन? अब देखिए, अगर हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास और क्या क्या चीज है। अब जब बात हो रही है किसका? कोसल का। किसका बात हो रहा है आपके लिए? तो कोसल आपके लिए कितना दो पार्ट में डिवाइड हुआ? पहला आपके लिए कौन सा है जी? आपके लिए उत्तर कोसल। क्या है आपके लिए? दूसरा आपके लिए क्या है जी? क्या है आपके लिए? देखिए, दक्षिण कोसल। ये अगर बात होती है उत्तर कोसल का, तो यहाँ पे एक शासक है। अरे या सुनो, एक राजकुमार है। इसी का नाम क्या है आपके लिए? दशरथ। क्या नाम है इनका? क्या नाम है इनका? अब यहाँ पे एक क्या है? राजकुमारी है। इस राजकुमारी का क्या नाम है भाई हमारे लिए? क्या है? माता कौशल्या। तो आपको याद रखना कौशल्या। तो देखिए, ये दोनों के मध्य क्या होता है? विवाह। क्या होता है आपके लिए? अरे या सुनो, अब यहां से फिर क्या होता है? भगवान राम आते हैं। कौन आते हैं आपके लिए? कौन आते हैं आपके लिए? अब राम का विवाह होता है जिन, तो इनका विवाह किनके साथ हो रहा है आपके लिए? माता सीता के साथ। अरे या सुनो, तो आपको याद रखना माता सीता। अरे या सुनो, अब इनके भी क्या होते हैं? अरे या सुनो, एक का नाम क्या है आपके लिए और दूसरे का नाम क्या है? क्लियर जी। तो अपन देखे, लाओ किसको देखे अपन और किसको देखे? अरे या सुनो, तो आपको याद रखना, लव लव को क्या मिलेगा आपके लिए? उत्तर कोसल। क्या मिलेगा आपके लिए? क्या मिलेगा आपके लिए? और इसको क्या मिलेगा आपके लिए? क्लियर। आगे बढ़ेगा, आपको याद रखना उत्तर कोसल। क्या याद रखना? इसकी भी तो कोई ना कोई राजधानी होगी क्या? तो इसकी राजधानी थी क्या थी आपके लिए? प्रावास्ती। क्या था आपके लिए? अगर बात होती है दक्षिण कोसल, तो इसकी राजधानी क्या थी हमारे लिए? उस स्थली। क्या था आपके लिए? क्लियर। अब देखो, अब यहां के बाद हमको चलना पड़ेगा कि वो कौन कौन से रामायण कालीन स्थल है जो छत्तीसगढ़ में हमने पढ़े हैं। क्लियर जी। आगे बढ़ूं क्या? देखिए, चलिए आप मेरे को बताते चलिए, हम लोग कहां कहां रामायण कालीन स्थल पढ़े थे।
पढ़े हैं ना। अब अब याद आना चाहिए, नहीं आ रहा होगा माँ कसम से। क्लियर, एक बार रिवाइज कराऊं इसको फिर वहां तक पहुंचू। देखिए भाई, सबसे पहले याद रखना है अपन को क्या, वैदिक काल। क्या याद रखना हमको, देखिए वैदिक काल को अपन अगर डिवाइड करते हैं तो ये दो पार्ट में होता है। पहला आपके लिए क्या होता है, ऋग वैदिक काल, और दूसरा आपके लिए क्या होता है, क्या होता है आपके लिए। अगर बात होती है वैदिक काल में, तो वैदिक काल में सबसे पहले आपके लिए क्या है, ऋग वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल में छत्तीसगढ़ के कोई प्रमाण नहीं मिलते, पेपर में पूछा है, तो आपको स्पेशली अलग से बता रहा हूं। और उसके बाद याद रखना उत्तर वैदिक काल। क्या याद रखना है, उत्तर वैदिक काल में हमने देखा, अब मत लिखो जी, सुनो, उत्तर वैदिक काल क्या याद रखना है, सब चीज मिल जाएगा, थोड़ा पेशेंस रखो, मैं आपको सब चीज प्रोवाइड कर दूं। अभी बस क्या है, रूटीन मेरा थोड़ा व्यस्त चल रहा है इसलिए नहीं, लेकिन आपको हर एक चीज जितना यहाँ लिख रहा हूँ सब चीज आपके हाथ में मिल जाए। मैं उतना कोशिश जरूर करूंगा कि आप दोबारा जीवन में आपको पढ़ने का मौका मत मिले और आप एक ही बार में सेलेक्ट हो जाओ। क्या है, जीवन जितना लंबा है गा, मैं आपको जितने बार देखूंगा उतने बार मेरे बुरा लगेगा, ये बात है। क्योंकि एक टीचर को सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब उसका जो पढ़ाया हुआ स्टूडेंट है वो सेलेक्ट हो जाता है। भैया तुम सेलेक्ट हो जाओ, मेरे कुछ के बाद कुछ नहीं चाहिए, हमारा भी एक स्वार्थ होता है उसमें। मैं तो बोलता ही हूँ मैं 10% लूंगा करके, कैसे जी, लेकिन सेलेक्ट होने के बाद, पहले नहीं मांग रहा हूं मैं आपसे, क्लियर जी, सेलेक्ट होने के बाद। अब क्या मैं व्यवस्था पानी वाला तो हूँ नहीं, मेरा तो एकदम सादा सिंपल आदमी, मैं 365 दिन में घास फूस खाता हूँ, मैं कुछ बोलूंगा भी नहीं, स्पेशल प्रबंध करो करके, बस ये अलग बोल दूंगा कि उधर हो भैया बर्रा भाजी बनवा देना, आ रहा हूँ बढ़िया सा, और क्या ही बोलूंगा मैं, नहीं जी। आपको याद रखना ऋग वैदिक काल, क्या याद रखना, तो ऋग वैदिक काल से छत्तीसगढ़ की कोई भी जानकारी नहीं मिली हमको, याद रखना उत्तर वैदिक काल, क्या याद रखना, ठीक है जी। तो उत्तर वैदिक काल में याद रखना हमको क्या, कि हमको दो चीजें मिली। अरे यार सुनो, सबसे पहले तो याद रखना क्या, कोमल सर, अरे यार सुनो, तो आपको क्या याद रखना, कौशीतक उपनिषद, और दूसरा क्या याद रखना है, तत्पत। अरे यार सुनो, विंध्यन पर्वत श्रृंखला, और याद रखना है क्या अपन को, रेवा नदी, क्या याद रखना है, मतलब नर्मदा नदी, क्लियर जी, इतना पढ़े थे क्या। उसके बाद याद रखना सतपथ ब्राह्मण, क्या पढ़े थे अपन, तो सतपथ ब्राह्मण में हमने क्या पढ़ा था, नहीं लिखा था क्या, नहीं लिखा, अच्छा नहीं लिखा था, देखिए आपको याद रखना सतपथ ब्राह्मण, क्या याद रखना, सतपथ ब्राह्मण, क्या याद रखना अपन को, ये सतपथ ब्राह्मण में हमको याद रखना सतपथ, समुद्र मिला है, क्या मिला है हमको, समुद्र की जानकारी, और समुद्र की जानकारी मिली है तो दो समुद्र की जानकारी मिलती है हम। अरे यार सुनो, पहला है आपके लिए कौन सा, अरब सागर, और दूसरा कौन मिलता है हमको, बंगाल की खाड़ी। अब बोलोगे सर ये हमारा इससे क्या संबंध है करके, अरे यार सुनो, तो देखो अरब सागर, अरब सागर कौन जाता है आपके लिए, नर्मदा, नर्मदा नदी जाती है ना, और उसकी सहायक नदी कौन सी है आपके लिए, कबीरधाम में पढ़े थे जी बंजर, और बंजर के साथ क्या पढ़े थे, ताड़ा, दो नदी पढ़े थे क्या, क्लियर, एकदम क्लियर होना चाहिए सर, अगर ये हमारे साथ हो रहा है तो हमको क्यों दिया गया है, क्लियर जी। दूसरा याद रखना बंगाल की खाड़ी, तो हमारे पास सबसे बड़ी हमारी नदी कौन सी है ली, तो महानदी अपवाह प्रणाली भी तो है क्या इसी में, क्लियर, तो आपको याद रखना ये दो चीज, ठीक है।
आपको कोई और बुक छानने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप इतना पढ़ लो, उसके बाद मार्केट में 6-7 बुक है, सब खरीद लेना, जितना एसेंस है सब पढ़ा दे रहा हूँ। कंटेंट थोड़ा ज्यादा लगेगा, मैं पहले से बता दे रहा हूँ, क्योंकि उतना चीज ऐसे फिर रिपोर्टों के कैसे, ये एक अपने आप में विषय होता है, पढ़ाने वाला तो पढ़ा दिया, उसके बाद आप जा रहे हो माथा कैसे पटक रहे हो, सर यादें नहीं हो रहा है, यादें नहीं हो रहा है करके। अरे यार सुनो, कुछ नहीं करना है, अभी सावन आएगा तो बोलबम जाना है, ठीक है? शंकर भगवान सबका सुने, ऐसे प्रदीप मिश्रा बोलते हैं, मैं सुना हूँ, प्रदीप मिश्रा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है किससे, भगवान से, क्लियर जी? मेरा भी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है सरस्वती माता और नागार्जुन से। अरे यार सुनो, तो आपको याद रखना है कौशिता, क्या याद रखना, तो आपको याद रखना कौशिक। अरे यार सुनो, तो आपको याद रखना पहले विंध्यन, दूसरा याद रखना है अपन को क्या, नर्मदा नदी, उसके बाद याद रखना सतपथ ब्राह्मण, समुद्रपथ ब्राह्मण में आपको क्या मिला है, समुद्र की जानकारी। अगर समुद्र में देखोगे पहला अरब सागर और दूसरा आपके लिए बंगाल की खाड़ी, इससे पता चलता है कि हाँ अपन उत्तर वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का भी अस्तित्व था। और अगर आप देखोगे किसको, एक आपके पास एक रचना है, एक ग्रंथ है जिसका नाम है कोसलखंड, क्या नाम है आपके लिए, कोसलखंड, कोसल के बारे में ही उसमें जानकारी मिला है। तो आपको पता चलता है कि विंध्यन पर्वत श्रृंखला जो अपन पढ़े थे ना, तो विंध्यन पर्वत श्रृंखला के आप देखोगे दक्षिण साइड में आपको नागपत्तन नाम का एक जगह पड़ता है, वहीं पे कोसल नाम का एक राजा रहता है। और वो कोसल नाम का राजा इतना प्रतापी है कि वो कोई भी मैच नहीं आ रहा है, अंडरटेकर है वो, रोमन रेंज है वो। अरे यार सुनो, उसके वजह से वो पूरा जो वंश है उसके नाम पे आगे बढ़ा, इसीलिए उस राजवंश को क्या बोला गया आपके लिए, और उस क्षेत्र को क्या बोला गया, कोसल क्षेत्र। उसी कोसल क्षेत्र में आपके पास एक जन राजा हुए, उसी राजा को बोला गया राजा भानुमन, क्या बोला गया आपके लिए, क्योंकि वो राजा के नाम पे वो क्षेत्रफल पड़ा, तो वो क्षेत्र दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक आपके लिए उत्तर कोसल और दूसरा आपके लिए कौन सा, अगर बात होता है उत्तर कोसल का, तो उत्तर कोसल के जो राजा है आपके लिए राजा दशरथ है, दक्षिण कोसल है, दक्षिण कोसल की राजकुमारी भानुमन की पुत्री माता कौशल्या है। अरे यार सुनो, उनका नाम इसलिए कौशल्या है क्योंकि वो कोसल की राजकुमारी है। अब आपको प्रीलिम्स में दो क्वेश्चन बनता है कि छत्तीसगढ़ को रामायण काल में क्या बोलते हैं, तो छत्तीसगढ़ को रामायण काल में बोलते हैं दक्षिण कोसल, क्या बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं अपन। उसके बाद याद रखना उत्तर कोसल, उत्तर कोसल में कौन है आपके लिए, राजा दशरथ। अब आपको अगला प्रश्न ये पूछेगा, चूंकि हम सिंधु घाटी सभ्यतम थे तो हम कौन सा भाषा बोलते थे, हमको नहीं पता, भावचित्रात्मक लिपि था ना, बस वो लिखे हैं उसको देख के अनुमान लगाए फलाना है तो ऐसी है, अगर इसका बाल ऐसे है मतलब उस टाइम पे ऐसे हेयर ड्रायर आ चुका था। अरे यार सुनो, अगर वहां प्रसादन सामान मिले मतलब इन लोग मेकअप करते थे, तो हम देख के अनुमान लगाए, हमको पता नहीं है, कहीं रिटर्न में नहीं लिखा है। अरे यार सुनो, उसके बाद बात जैसी आए वैदिक काल में, वैदिक काल से हमको जानकारी एकदम सुव्यवस्थित मिलता है, एकदम सिस्टमेटिक मिलता है, पहले के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, क्योंकि इससे पहले सन नाम का चीज नहीं है आपके पास। उसके बाद सन आना लिखाना चालू हुआ ना, ग्रीक वैदिक काल इतने से इतना, उसके बाद उत्तर वैदिक काल इतने से इतना, और हर रामायण हर महाभारत अपन एक एक के बाद एक एक। अब ऐसा थोड़ा है कि शुरू में राम भगवान जन्म हुआ तो उसके बाद वो सीधा वनवास चले गए, बीच में भी तो कुछ हुआ है क्या, एक आपको सिस्टमेटिक वे में मिला है कि नहीं, इसलिए हमको हमारे लिए इतिहास यहां से इंपॉर्टेंट हो जाता, क्योंकि अब लोग बोलना चालू किए तो लिखना चालू किए, अब वो लिखे हैं उसको हम पढ़ भी पा रहे हैं और समझ भी पा रहे हैं, क्लियर? तब तो ये आधुनिक काल हुआ जी। तो यहां से हम लोग छत्तीसगढ़ का अगर पहली भाषा पूछा जाएगा, या छत्तीसगढ़ का ओल्डेस्ट आपको लैंग्वेज पूछा जाएगा, या प्राचीनतम आपको भाषा पूछा जाएगा, तो हम क्या बताएंगे, कोसली, क्या बोलते हैं अपन, क्योंकि हम किसके हिस्सा है, कोसल के, किसके हिस्सा है अपन, क्लियर जी? तो आपको याद रखना है प्रीलिम्स के लिए तीनों क्वेश्चन, ठीक है? आगे बढ़े क्या, हमको याद रखना कोसल, क्या याद रखना, कोसल, कोसल में उत्तर कोसल के राजा कौन है आपके पास, दक्षिण कोसल के कौन है, दोनों का विवाह हुआ कौन आए आपके लिए, तो राम भगवान का विवाह किनके साथ हुआ, और राम के पुत्र कौन है, लव, उधर कौन है आपके लिए, कुश। तो ये जो लव है ये किसके आपके लिए, उत्तर कोसल पड़ा, और कुश के लिए कौन सा पड़ा आपके लिए, इसकी राजधानी क्या है आपके लिए, श्रावस्ती, और इसकी राजधानी आपके लिए क्या है, क्योंकि ये कौन है, कुश है, कौन है आपके लिए,
इसीलिए क्या है ये कुश स्थली, कुश जिस जगह पे रहते हैं उसी जगह बोल रहे हैं कुश स्थल या कुश स्थली। क्लियर? आगे बढ़े क्या? ठीक, अब आपको याद रखना रामायण कालीन स्थल क्या याद रखना अपन को। मैं अब तक आपको जिला परिदर्शन में जो पढ़ाया हूं केवल मैं उन्हीं की बात करूंगा। ऐसे पढ़ाने के लिए मैं 75 जगह पढ़ा सकता हूँ, लेकिन 75 जगह नहीं याद करना, माथा पटक पटक के मर जाओगे, आएगा नहीं कुछ। एक होता है जनरल नॉलेज और दूसरा होता है जबरन नॉलेज, तो जबरन मत क्लिक करो। क्लियर जी? अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।